नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आज आपका अचानक से जो है बीटीसी थोड़ा सा डंप मारा, लेकिन ये एक टेम्परेरी था। मैंने इसको शेयर भी किया था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो वेट करके बनाया इसलिए कि देखना था कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, ये जो अचानक से डंप आया इसकी वजह क्या थी। तो देखिए, कोई खास वजह थी नहीं। दूसरा, इसी वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक में रहेगा आइस नेटवर्क के बारे में। थोड़ा आइस नेटवर्क में भी आज ठीक ठाक पंप दिखाई दे रहा है, वजह क्या है वो भी बताते हैं। क्या होल्ड रखना चाहिए या प्रॉफिट लेना चाहिए, चलो बने रहिए। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा मार्केट बीटीसी आपका देखिए, अचानक से जो है लगभग 70,600 तक बीटीसी एक ही कैंडल डंप मारे, यानी लगभग हम अगर एक घंटे के टाइम फ्रेम देखते हैं तो 70,600 तक चला गया। यानी कहां से 72,000 लमसम, यानी कि 71,900 के आसपास था, कहीं कहीं 72,000 भी दिखाई देता था, वहां से सीधा आपका 70,600। ये क्या था? कुछ नहीं था साहब, केवल ये मार्केट के थोड़े से उतार चढ़ाव हैं जो चलते रहते हैं। इसमें कोई पैनिक वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। कुछ अमेरिका में अर्निंग रेट कुछ ऐसा था शायद कि नेगेटिव है, शायद इसकी वजह से ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नजर नहीं आया कहीं भी के साथ इसे लगे कि इस वजह से मार्केट नीचे आया। तो कई बार ये लगता है कि भाई एक्चुअली हम 72,000 के लेवल के आसपास तो अचानक से गए ही थे, तो वहां से एक भाई रिएक्शन तो आपको कहता नेगेटिव मिलना ही था। तो ये थोड़ा सा आपको लिक्विडेट करने वाला सीन इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सब कुछ बुलिश बुलिश नजर आ रहा है ना। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 65 के आसपास चल रहा है, तो देखिए लिक्विडेशन तो करना ही था। तो वही चीज कहीं ना कहीं मुझे लगाया कि भाई एक्सचेंज और कुछ बड़े लोगों ने मिलकर ये गेम खेला है, बाकी यहाँ मार्केट में कुछ नेगेटिव चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको डरने की या चिंता करने की बात नहीं है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जो है मार्केट फिलहाल देखिए, अगर इस रेंज पर भी देखते हैं तो आप ये दो बार इस रेंज को टच किया, यानी 72,000 के आसपास। यानी लास्ट आपका ये कब यहां पर गया था, आपका 21 मई को भी यही रेंज थी सेम जो आज है, यानी कि जहां से आपका ये बीटीसी नीचे आया 71,900 के आसपास से। तो अगर यहां 71,900 के ऊपर भाई थोड़ा सा क्लोज हो, थोड़ा सा टाइम बिताए, तब तो कुछ ठीक भी है, वरना यहां से देखिए हम इससे और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, यानी 71,600 के आसपास से। तो 71,600 के आसपास हम तीन बार रिसेंटली में ही टच कर चुके हैं, यानी कि एक आपका 5 जून को, दूसरा आपका जो है 6 जून को, और आज आपका फिर से वही। तो ये क्या है, ये मैं अपने एक हफ्ते के पीछे वाले की बता रहा हूं। तो यहां पर हम तीन बार टक्कर मार चुके हैं, अभी तक हम इसके ऊपर ज्यादा ठहर नहीं पा रहे, यानी कि 71,700 के आसपास तक जाके और वापिस हो जाते हैं। तो ये सीन कहीं की ब्रिटिश का भाई टक्कर मार रहा तो तोड़ेगा भी एक दिन, तो ये कहीं कहीं लग रहा है यही शायद कोशिश आज की थी कि भाई 72,000 के आसपास तक गया, लेकिन कुल मिला के बात वहीं आ गई साहब, टिक नहीं पाए। तो अब बीटीसी में भाई थोड़ा सा जान पड़ने दीजिए। बाकी ब्लैक रॉक भाई साहब 3,00,000 से ज्यादा बीटीसी होल्ड करता है, तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी होल्डिंग धीरे धीरे इन लोगों की बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए स्पॉट के जो भी अपनी ये बाय करता नए वाले आए हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी आई हैं, तो ये होल्ड कर ही रही हैं। देख सकते हैं सारी मार्केट में सीन रहता भी है। फिलहाल बीटीसी का करंट प्राइस आपका लगभग 71,300 के आसपास चल रहा है, तो यानी कि वही फिर से हम रिटर्न करने लगे हैं। मैं भी हो सकता है कि लिक्विडेशन का ही सीन मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, बाकी इससे ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। अब आते हैं आइस नेटवर्क में, क्योंकि आज थोड़ा सा ग्रीन नजर आए, तो लोगों के सवाल भी आने लगे कि सर ये क्या हो रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा अपडेट ऐसा आया है क्या। मेरे भाई देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ अपडेट बड़ा वाला तो नजर नहीं आया कहीं भी, आइस में कोई बहुत बड़ा ऐसा अपडेट नहीं है। लेकिन जो बड़ा अपडेट है अगर कहें तो, और वो है आपका क्रिप्टो रोवर का, आपने नाम सुना है, ये एक यूट्यूबर है और आप कहें तो ट्विटर पर काफी फेमस बंदा है, लगभग आपके इसके 6-7 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर भी हैं ट्विटर पर। तो इसने जो है आज एक आइस के ऊपर ट्वीट किया है। तो इसने जब ट्वीट किया तो उस ट्वीट में इसने मेंशन किया आइस इज सिटिंग एट जस्ट $34 मिलियन मार्केट, बट आई बिलीव दिस कैन इजीली मून टू 1 बिलियन वेरी क्विकली। तो देखिए जब बड़े बड़े ये एक तरह से क्या कहेंगे इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या बड़े बड़े जो ये यूट्यूबर हैं, ये जब इस तरह का कोई भी ट्वीट करते हैं ना, तो इसने आज ब्रीट के ऊपर भी ट्वीट किया है। तो देखिए दोनों का प्राइस आपका अच्छा खासा बूम कर रहा है। अब देखिए जब ये बड़े बड़े लोग इस तरह का ट्वीट करते हैं तो इनके पीछे कम्युनिटी भी बहुत बड़ी होती है। अब भाई 8 लाख में से मैं कहता हूं 5% लोग तो कम से कम इनकी बात मान ही लेंगे, 8 लाख से कम बता रहा हूं मैं, तो भाई वो बाय भी करेंगे कि उनको पता है जब इतनी बड़ी बात बंदा बोल रहा है कि भाई 34 मिलियन से $1 बिलियन इसका मार्केट कैप हो सकता है,
और इसका प्राइस बहुत जल्दी 1 सेंट के आसपास जा सकता है, ये बंदा खुद बोल रहा है। तो भाई एक चीज बताइए, थोड़ा सा बूमनेस पीछे से एक तरह से पंप लगी जाता है, तो वही चीज कहीं कहीं आज आयुष में हुआ है कि भाई इन बड़े बड़े लोगों के कुछ ट्वीट आए और बस पब्लिक भाई जो इनको फॉलो करती है, जो इन पे फेथ करती है, उन्होंने आयुष को बाय करना शुरू कर दिया, बाय करना शुरू कर दिया। तो आज प्राइस आपका पैसे में अगर बताऊं तो मुझे लगता है सर 52 या 53 पैसे के आसपास तक गया है, और डॉलर में बताऊं तो आपका 0.0060 को टच किया है आज इसने। तो मेरे भाई देखो, ये ट्वीट है और ट्वीट का इंपैक्ट भी आपको नजर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, क्योंकि आई सब पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है, ये नया प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपना प्रॉफिट बुकिंग के सीन में लगे हुए हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये $1 जाएगा या $10 जाएगा, उनको ये पता है कि हमारा 20% 30% बनता है, अपना निकाल रहे। आप चाहो तो इनका ये किसी भी एक्सचेंज पर जाना लिस्ट है, वहां बाय और सेल की लिस्ट देख लीजिए, वहां सेल करने वाले मिलियंस में है, बाय करने वाले हजार में है, लाख में। तो भाई यहां थोड़ा सा इस चीज को आप देख के चले, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका जो होल्डिंग है सारी बेच दे, मैं कहता हूं आप सिर्फ जो है अपना एक सीन देख लीजिए कि आप प्रॉफिट कितना चाहिए। वैसे मैं आज आपको बता दूं, मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है, मैंने आपको जो 50 यानी 0.0059 पर प्रॉफिट बुक किया है, नीचे आएगा फिर खरीदूंगा, ऐसा नहीं कि मैं खरीदूंगा नहीं, मैं तो इसमें आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इसमें देखिए प्रॉफिट बुकिंग वाले सीन पे आ गया हूं, और बहुत पहले से आपको इसी बता रहा हूं, होल्डिंग अलग पड़ी हुई है। लेकिन भाई रोज का पैसा भी तो चाहिए ना, तो आप किसी से दिल लगा के बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो भाई वही सीन मैं आपको कह रहा हूं, आपको जहां पर लगता है कि भाई प्रॉफिट लेना है बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट नीचे नहीं आता। BTC का ही देख लीजिए भाई, 72,000 से सीधा 70,600 आया, तो फिर भाई ये क्यों नहीं आएगा, आएगा, टाइम लगेगा। आज क्या है, करंट का ये सब चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, मैं तो कहता हूं आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो जिसके पास कम क्वांटिटी में आइस है। जिसके पास भाई लार्ज क्वांटिटी में है वो तो चाहे तो अपना स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुक कर सकता है, लेकिन जिसके पास थोड़ी क्वांटिटी है वो अपना उसी हिसाब से थोड़ा सा मार्केट को देख के चले, क्योंकि BTC में फिलहाल थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारा एक लंबी कैंडल ने ही लिक्विडेशन किया है। तो यहाँ दूसरी जो प्रोजेक्ट है उन पर भी ऐसा कुछ सीन नजर आ सकता है। तो मैं आइस में जो भी है भाई उनसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, और लगता है कि भाई प्राइस नीचे आ रहा है तो आप जरूर अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि जो ऊपर गया है वो नीचे जरूर आएगा। ये मार्केट है, किसी की सगी नहीं है, और ना ही एक आओ के साथ एक बार जो ऊपर चलना हो गया है तो वो नीचे नहीं आएगा। आप मार्केट में हैं तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।